नमस्ते, वाओ क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोर्स या मुंह के अंदर बहुत ज्यादा छाले बन जाते हैं, सफेद सफेद छाले बनते हैं। छाले कई तरह के होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को संक्रमण रहता है कि सफेद छोटे छोटे से छाले बनते रहते हैं। तो आज की रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनको बार बार छाले होते हैं। तो इस प्रकार की समस्या है कि आपके सफेद छाले बहुत बनते हैं, उनके अंदर घाव हो जाता है, खून निकलने लगता है, मवाद निकलने लगता है, तो इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। अंदर सफेद छाले होने के ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को गर्म खाना खाने की आदत होती है या ज्यादा तीखा खाना खाते हैं, तो उनके मुंह के अंदर इस प्रकार से छाले बनते रहते हैं। पहले वो छाले छोटे छोटे से बिल्कुल चमड़ी जैसी होती है उसकी, वो थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिखने लगती है और उसके अगल बगल पूरा का पूरा एरिया रेड हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी होती जा रही है, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होती जा रही है, तो आप देखेंगे कि उनके मुंह के अंदर इस प्रकार से छाले बनने लग जाते हैं। आप किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन ज्यादा करते हैं तो ऐसे में आपके मुंह के अंदर अल्सर बनने लगते हैं और आगे जाकर गंभीर समस्या भी पैदा कर सकते हैं। जैसे पहले वो बिल्कुल छोटे दाने रहेंगे, फिर थोड़ा उनका आकार बड़ा होगा, उसमें घाव बनने लग जाएगा, मवाद निकलने लग जाएगी, तो इस प्रकार से दवाइयों के साइड इफेक्ट भी आपको उसके अंदर देखने को मिल सकता है। महिलाओं के अंदर ये संक्रमण तब पाया जाता है ज्यादातर जब महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, तो बहुत सारी महिलाओं के हार्मोन चेंज होते हैं, तो इस प्रकार के संक्रमण देखने को मिलते हैं कि उनके मुंह के अंदर लालिमा आने लगती है, सफेद छाले बनने लगते हैं या साधारण छाले भी बनने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं और गिर जाते हैं तो उनके मुंह के आसपास या कहीं पर भी चोट लग जाती है, तो वह भी छाले का रूप ले लेता है। या कई बार हम लोगों के भी ब्रश करते टाइम पर किसी वजह से चोट लग जाती है तो वह भी छाले का रूप बन जाता है। तो इस तरह से छाले बनने के ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, इन चीजों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको माउथ के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो तुरंत आपको उपाय की तरफ बढ़ना चाहिए। एक के ऊपर, मुंह के ऊपर इस तरह से मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे, आप एक बार उनको जाकर जरूर देखें। जब भी मुंह के अंदर छाले बनने लगते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की दवाइयां लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी आप दवाइयां लेंगे वो आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करेगी, गर्मी पैदा होने से भी छाले बनते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा छालों के लिए दवाइयां लेते हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर छाले बनते हैं तो सबसे पहले आपने कारण जान लिया कि किस कारण से होते हैं, तो रेमेडी भी आपको बिल्कुल घरेलू करनी है जिससे कि आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण और ना बढ़े और आपके शरीर के अंदर भी कोई बुरा असर ना दिखाए। तो यहाँ पर जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, अगर आपको छाले बनते हैं तो इस उपाय को आप करिए। चने का जो आटा आता है, आप क्या करें, कुछ सिंगाड़े ले आइए, उसका पाउडर आप घर पर ही बना लीजिए। उसका स्वाद जो होता है थोड़ा मीठा होता है, ये हमारे मुंह में अगर छाले बहुत बनते हैं तो उनको सही करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चम्मच भरकर सिंगाड़े के आटे का पाउडर लेना है, उसी में एक चम्मच भरकर शहद मिक्स कर देना है। शहद अगर आपके छाले बनते हैं तो आप ऐसे ही मुंह के अंदर अगर लगाते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के छाले बिल्कुल साफ होने लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको की ये समस्या रोज होती है, 10-15 दिन के अंदर बार बार ही संक्रमण फैल रहा है, छालों में अगर घाव हो गया है, मवाद निकलने लग गया है, तो फिर शहद बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर सिंगाड़े के आटे के अंदर आप शहद को थोड़ा मिक्स करके उसका पेस्ट बना करके अपने मुंह में जैसे कहीं पर भी छाले बन रहे हैं तो उसे लगाइए, जिससे आप देखेंगे कि छाले एक या दो बार लगाने से ही आपको काफी आराम मिला है। अब छाले जैसे आपकी जीभ के ऊपर बहुत बन सकते हैं, या आपके यहाँ पर होंठ के अंदर की तरफ बहुत ज्यादा छाले बन जाएंगे, गाल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि छाले बनने लगते हैं, या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खाना खाते टाइम पर उनके बहुत ज्यादा ऐसे मुंह में पूरा अंदर की स्किन खाने में आ जाती है जिसके कारण वहां पर छाला बनने लगता है। तो इस छाले को भी अनदेखा नहीं करना है, यहाँ पर भी आप इस पेस्ट को बनाकर लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको गले तक छाले पहुंच चुके हैं तो भी आप इस उपाय को अपना सकते हैं, यानी कि अगर गले में छाले पहुंच जाएंगे तो आपको खाने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी, पानी पीने में भी दिक्कत होगी, और अगर इस प्रकार से समस्या ज्यादा बनी रही तो गंभीर समस्या बन जाती है। सफेद छाले हैं या किसी भी प्रकार के अगर छाले बन रहे हैं या आपको ऐसे चोट लग कर लाल हो गया है तो भी आप इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चों को भी इस प्रकार की समस्या है कि छाले बहुत बनते हैं तो उनको भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।